महाराजगंज नगर पंचायत में किन मुद्दों पर जनता करेगी वोट, देखिए नगरवासियों की राय। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और प्रत्याशी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हैं। बाजारों में बैनर पोस्टरों की होड़ लगी है। वहीं आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज नगर पंचायत में अब की बार नगरवासी किस तरह के चेयरमैन चुनना चाहते हैं और किन मुद्दों पर वोट करेंगे, यही सब जानने हेतु मीडिया की टीम जब आम जनता के बीच पहुंची तो लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, मुद्दों को गिनाया। लोगों का कहना है कि यहाँ जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्षेत्र में तमाम विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई रहती है, क्षेत्र में विकास कार्यों की जरूरत है जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं व सहूलियत मिल सके। लोगों का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। मेरा नाम शैलेश कुमार सलानिया, इंदिरा नगर वार्ड से हूँ। सर, महाराजगंज नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? इस बार 90% लोग परिवर्तन चाहते हैं, कोई नया आए, युवा आए, ठीक ठाक आए। क्या वर्तमान चेयरमैन साहब से संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट नहीं है, सभी ने सब लोग कर रहे हैं नए चेहरे की तलाश, नए चेहरे की तलाश। तो क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा आने वाले चेयरमैन हो जो ठीक ठाक हों, विकास करें और ये महानगर पंचायत को आगे बढ़ाएँ और उसका उनका जो काम हो वो अच्छा हो, ताकि लोग उनसे खुश रहे आने वाले चेयरमैन से। ये 10 सालों में उनको लगता है कि कुछ किए नहीं है। हमारी यहाँ नगर पंचायत में 2 वार्ड है, एक लोहिया नगर वार्ड है और एक मेरा नगर वार्ड है। आप यहाँ सहदेवगंज मोड़ से आप पूरा वहाँ चौक तक जाइएगा। ये नालियाँ कम से कम 10 साल में 4 बार खोदी गई, 4 बार बनाई गई, 4 बार बिगाड़ी गई। ये बजट पास होता है और ये पानी निकासी का कारण अभी तक आज तक लोग नहीं पहुँच पाए। इसका पानी हम कहाँ ले जाए? बरसात में आता है, कंगे पर पानी होता है, सबके घरों में पानी जाता है, बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यही करते करते 10 साल हो गए। हाँ, बदलाव जनता चाह रही है क्योंकि टंकी का पानी आज तक 10 साल में नहीं आया घर घर में। यहाँ तमाम बीमारियाँ फैल रही हैं तो लोग शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए। आपसी संस्थाएँ तो बहुत छुट्टी हैं, जैसे मैरिज हॉल बनवाने के लिए कह रहे थे, गाइडलाइन में आया था, पेपर में निकला था, लोग खड़े थे, तमाम स्थिति मैरिज हॉल बनेगा, उसमें गरीब तबके के लोगों की टाइम देखने की शादी होगी और लक्ष्य को पानी पियेंगे, आप तक नहीं हुआ और सर सफाई नहीं हुआ। ये खम्भे हमने जो देख रहे हैं ना, खम्भे हमने कई बार खड़े, कई बार गए और इसका केवल वही होता है, बस खाना टांग दिया गया, विकास ऊपर है खम्भे शाम को होता है, चट चट बढ़ता है, यही विकास। अपना परिचय दीजिए सर। हाँ, गणेश मौर्य महाराज। सर, इस बार वार्ड नंबर 9 लोहिया में। सर, इस बार नगर पंचायत महाराज में चुनाव होने वाला है, इस बार जनता का क्या मुद्दा रहेगा? जनता बदलाव चाहती है, बदलाव क्योंकि 10 साल से जो चेयरमैन हमारे हैं मौके पे रहे हैं प्रतिनिधि, हमारे चेयरमैन का मेन मतलब होता है जनता का प्रतिनिधित्व करना, जनता की समस्याओं को सुनना। लेकिन ये 10 सालों में इन्होंने 10% काम भी नहीं किया, बिलावजह नाजायज झगड़े किए, नाजायज लोगों की ज़मीनें कब्जा करना, मारपीट करना, एक चेयरमैन प्रत्याशी को शोभा नहीं देता। चेयरमैन की जो कुर्सी होती है जनता प्रतिनिधि होता है, प्रथम नागरिक माना जाता है टाउन एरिया, ठीक है, उनके साथ ये दुर्व्यवहार जो करना वो अच्छी बात नहीं है। 10 सालों में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, 10% काम नहीं हुए हैं, खम्भे नए लग गए, पुराने खम्भों की रिपेयरिंग नहीं हो पाई, जो पुरानी लाइटें बंद पड़ी उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, जो नालियाँ बंद पड़ी उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, सिर्फ दिखाने के नाम पर क्या कहते हैं, बजट नहीं है हमारे पास, बजट नहीं तो काम कैसे चल रहा है? 10 सालों बजट नहीं आया आपके पास, कोई मतलब नहीं निकला। जनता बदलाव चाहती है, कोई ऐसा आदमी हो जो जनता की सुने, जनता के बारे में सोचे, यहाँ का विकास हो। 10 साल में यहाँ का विकास रुक गया, महाराज में कोई विकास नहीं हुआ। क्या इस बार नगर पंचायत महाराज इनकी जनता नए चेहरे की तलाश में जारी है? बिल्कुल जारी, नया चेहरा चाहिए, नए लोग चाहिए जो काम करने लायक हो, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझ सके। जनता मन बना चुकी है, किसको करेगी तो जनता बनाएगी। जो उनसे महाराज जी नगर पालिका की नगर जनता नहीं है। अरे भैया, आप ये बताइए, आप सीधी सी बात सर समझ लीजिए कि अगर आप किसी की ज़मीन कब्जा करो, हमारे यहाँ सफाई ना हो, नालियाँ जाम पड़ी हो, नाली बंद हो, ठीक है, पटिया किसी के दरवाजे पे है, किसी के दरवाजे नाली खुली पड़ी है, तो जनता उसको क्या अच्छा समझेगी क्या बुरा समझेगी? इस बार मुद्दा विकास का रहेगा, विकास का मुद्दा होगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा। अहमद जी, पंचायत महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ जी
और यहाँ की आवाम ये चाहती है कि यहाँ पे विकास हो। जैसे कोई मुसाफिर यहाँ से आ गया तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये होती है, अगर उसको वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ गई, यहाँ वॉशरूम की ज़रूरत है। महिलाएं आदमी तो कहीं भी जा कर के अपना फारिग हो जाता है, महिलाएं के लिए ज़्यादा मुसीबत होती है। ये शौचालय यहाँ होने चाहिए ताकि कोई भी राहगीर वगैरह हो उनको परेशानी ना हो। दूसरी चीज़ जो लैट्रिन की गाड़ी गंदगी वगैरह है वो वक्त पे साफ़ हो, कचड़े हो साफ हो। साफ़ तो खैर होती है, साफ़ सफाई हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ मुद्दा यही है साफ़ सफाई। क्या इस बार नए चेहरे की ज़रूरत है महाराज? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबकी सोच अलग है। ज़्यादातर लोग ये माहौल जो दिख रहा है, ज़्यादातर नए चेहरे के लोग ज़्यादा रुझान है कि नए चेहरे चुने। और क्या नया उम्मीद रखना चाहते हैं प्रत्याशियों से जो इसमें होर्डिंग लगी है? इस समय होर्डिंग तो बहुत लगी, इस बार प्रत्याशी भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर सबसे आदमी ज़्यादातर उम्मीद सबको यही रहा है कि भाई नगर पंचायत का विकास, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी का विकास जो मुद्दा उठाएगा वही जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज संतोष मिश्रा सर, इस बार नगर पंचायत का महाराज चुनाव होने वाला है, जिसमें मुद्दा क्या होगा चुनाव को लेकर? मुद्दा होगा कि नया प्रत्याशी कोई आए और महाराजगंज के जो पुराने प्रत्याशी रह गए 10 साल में, उनका कुछ काम सही नहीं दिखा कि नगर पालिका की सम्मान जो है बाहर रखी गई, आदर्श नगर में नहीं रखी गई है, और लैट्रिन की गाड़ी जो है सड़ रही है, उसके लिए कोई न शादी में गई न विवाह में गई, और भी जो है नाली वाली देखा जाए तो एकदम कचरा से जाम हुई है। बस इतनी हमारी खुशी है, नया प्रत्याशी किसी को चेहरा लाया जाए। तो इस बार किस पार्टी पे आप लोग भरोसा लगा? पार्टी का भरोसा तो नहीं करेंगे जब तक सीट न आ जाए, क्योंकि सीट जब तक आ नहीं जाएगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। नया विचार बना है।